किसानों ने कैथल के कलायत में बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कैथल कलायत रेलवे स्टेशन पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कृषि विरोधी कानूनों को निरस्त करने और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि धरने प्रदर्शन की अध्यक्षता साधु राम कामरेड ने की। किसानों ने चेताते हुए कहा कि सरकार जब तक किसानों की मांगे नहीं मान लेती वह संघर्षरत रहेंगे। सरकार का जो रवैया है, किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छोटा दुकानदार उदासीन रवैया है, लेकिन ये संघर्ष ऐसे टूटने वाला नहीं है जैसे सरकार चाहती है। ये संघर्ष लंबा चलेगा और सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा। जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा, इस किस्म के फैसले जैसे 26 तारीख को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान है, 19 तारीख को खेती बचाओ मंडी बचाओ का आह्वान है, 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस है, वो एक आंदोलन की कड़ी से जोड़ करके उनको मनाया जा रहा है। और जो 26 वाला प्रोग्राम है पूरे देश के अंदर एक नए आंदोलन का स्वरूप लेकर के आएगा। आंदोलन है ये बहुत लंबा चलेगा। कारण है उसका, क्योंकि आज जो लड़ाई है ये लड़ाई रोटी रोजी की लड़ाई है। सब लोग रोटी चाहते हैं और ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसलिए इस आंदोलन के लंबे चलने के आसार है। जैसे आज महंगाई बढ़ गई, हमारे जो 3 कृषि संबंधी बिल है या बिजली बिल 2020 है उनके लिए तो हम पहले ऑलरेडी थे। इसका लिए मेरा, मैं यूँ कहना चाहता हूँ, ये जो मांगों का जो स्वरूप है ये सार्वजनिक है, सार्वभौम है। इसके लिए सभी किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, कर्मचारियों को, दुकानदारों को, सभी को जोड़ना पड़ेगा और ये लंबा, इसको लंबा कर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।